दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अभी हम बात करेंगे कि जो अभी ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पूरे विश्व का अगर बात किया जाए जो एक्सपोर्ट में है, वो नंबर वन जो है वो चाइना है, ठीक है। और चाइना जो नंबर वन है उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भारत की ओर देखते हैं, ठीक है। और भारत की ओर इस वजह से देखते हैं कि पीछे भी आपको पता होगा जो कोविड पैंडेमिक के बाद से जो सिचुएशन है एक्सपोर्ट की इंडिया की, वो बहुत ही, देखिए, बहुत ही एक इंडिया के तरफ लोगों का झुकाव है और इंडिया के तरफ लोगों का एक अट्रैक्शन बन रहा है। और एक्सपोर्टर्स के लिए, जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट तिमाही में जो एकदम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक उसी तरह से ये क्यों हुआ है और आगे इसके क्या आसार हैं हम जानेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जो लेख छपा हुआ है, हम उसकी भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि एक्सपोर्टर्स अभी कैसे फायदा उठा सकते हैं और इसकी क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो होता है चाइना से, ठीक है। और जो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो करता है चाइना। आप सोच लीजिए, चाइना पूरे साल में 4.65 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जो कि कल का एक न्यूज है। उसमें उन्होंने, जैसे कि सारा जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करता है कि हमें अगले साल में इसे ज्यादा करना है, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है 5.1 ट्रिलियन का, और हम लोग उसे बहुत पीछे हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन एक्सपोर्टर इसको काफी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इंडियन एक्सपोर्टर फायदा उठा सकता है। तो ये जो देख रहे हैं, ये शिपिंग वेसल, आज के टाइम में देखिए हर जगह, आपको जैसा कि पता है कोविड के बाद से जो सिचुएशन हुआ है, देखिए कोविड के बाद से जो सिचुएशन है, हर जगह कंटेनर का शॉर्टेज है, हर जगह क्या है, शिपिंग लाइन के पास कंटेनर अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस टाइम कोविड हुआ था ना, उससे जो इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले ही चाइना में बहुत इफेक्ट कर चुका था, और वहां से माल आने और जाने में क्या होता था, काफी दिक्कतें होती थी, वहां पे काफी वेसल रुके हुए भी थे, और उसको लेकर के वहां पे बहुत ही अनियमितता हो गई, जिसके कारण रेट काफी हाई चले गए। तो कुछ दिन पहले देखिए, जैसे इंडिया में भी वहां से माल जो आ रहा था, $700 से $800 हुआ करता था जनरली रेट। जो अभी का रेट है वो रेट हो चुका है, जो $700-800 का रेट था, अभी का रेट हो चुका है 20 फीट का $3200 और 40 फीट का उससे भी ज्यादा, और 2800 से लेके 3200 का 20 फीट है, और जो 40 फीट कंटेनर है वो 3500 से लेके 4500 तक है डिफरेंट पोर्टों का। आप सोचिए कि इतना बड़ा डिफरेंट जो आया है, तो ठीक उसी तरह से हर कंट्री के लिए चाइना में आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां $700-800 में इंडिया में कंटेनर आ रहे थे, और अब जो है मान लो इतना महंगा हो गया, तो अन्य देशों के लिए क्या हुआ होगा। तो अन्य देशों के लिए इससे भी ज्यादा हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सारे शिपिंग लाइन हैं, इसमें ज्यादातर शिपिंग लाइन कहां के हैं, चाइना के हैं। और देखिए, ये जो है शंघाई का ये क्षेत्र है चाइना का, और ये देखिए सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, यहां पे क्या है, यूएस के लिए जो है कंटेनर जाता है। और इसका जो रेट हो रखा है इस टाइम अप्रॉक्स, अगर एक 40 फीट कंटेनर आप भेजते हैं शंघाई से यूएस के लिए, तो ये जो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्स 9,700 से लेके 10,000 और 10,500 तक चला गया। तो सोचिए कितना बड़ा रेट का डिफरेंस आया है। तो जिसके कारण क्या है कि अभी भी इंडिया में इतना नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि यूएस का अगर हम रेट देखें तो अप्रॉक्स 5,000 से 6,000 या $5,500 के बीच में है। तो जो फ्रेट का चार्जेस है वो ह्यूज डिफरेंस है। तो इसका फायदा इंडियन एक्सपोर्टर उठा सकता है, और जाहिर सी बात है इंडियन एक्सपोर्टर को इसका फायदा मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। इसका फायदा इस वजह से मिलेगा कि याद होगा कि जिस टाइम कोल्ड वार चल रहा था यूएस का और चाइना का, तो कोल्ड वार के टाइम में भी वो लोग बॉयकॉट कर रहे थे चाइना प्रोडक्ट का और इंडियन प्रोडक्ट ले रहे थे। उसमें बहुत से लोगों ने, बहुत से एक्सपोर्टर ने फायदा उठाया और बहुत सारा एक्सपोर्ट हुआ यूएस को, हालांकि बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट भी हम यहां से ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसका फायदा तब भी मिला था और अभी भी हमें मिलेगा। तो सोच लीजिए, जो ये रेट का जो डिफरेंस है, ये छोटा मोटा नहीं है। आप सोचिए कि अगर $5,000 को अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं,
तो आप ये लगा लीजिए अप्रोक्स 2.5-3 लाख रुपए का फर्क आएगा, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। और इंडिया में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने के आसार है, जैसा कि आपको पता है कि अभी 95 अरब डॉलर का भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था फर्स्ट तिमाही में, जो सबसे हाई था। तो देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम जानते हैं, देखिए जो वहां पे आज जो ये इकोनॉमिक टाइम में जो लेख छपा हुआ है उसमें ये कोस्को शिपिंग का, मस्क लाइन का और सबका जो जिक्र है, जो रेट काफी हाई किए हुए हैं। कई ऐसे जगह है जहां पे उनका रेट $11,000 से भी बाहर चला गया हुआ है। तो ये सोच लीजिए जो अपने देश में स्थिति है उससे कहीं बदतर और भी कंट्रियों में स्थिति है। तो अभी भी इंडियन एक्सपोर्टर की तरफ देखा जा रहा है, और जैसा कि फियो ने बताया कि अपना जो कंट्री में जो ज्यादातर ट्रेडर है एमएसएमई के अंदर आते हैं, तो वहां पे क्या होता है उनकी निगोशिएटिंग पावर कम हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा संभावना कम रहता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो अभी एक्सपोर्ट करने के बहुत ही अच्छे मौके हैं और आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो ये जैसा कि देख लीजिए जिस तरह से शंघाई और ये जिस तरह से मैं आपको एक जगह का बता रहा हूं कि शंघाई और यूएस मतलब चाइना और यूएस का जो फ्रेट है इतना डिफरेंस है, तो ध्यान रखिए कि ये और भी कंट्रियों के लिए है। सिर्फ यूएस और ये चाइना का ही मैं बात नहीं बता रहा हूं, यह एक वो लिया एक एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस तरह का सिचुएशन हर एक कंट्री के लिए है। तो ध्यान है कि एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी बहुत तगड़ा है, और मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और अच्छा इंफॉर्मेशन आप तक लेकर के आता रहूं और आपको बताता रहूं कि हाँ किस तरह से आप अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, देखिए जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हम उसके बारे में भी आप तक वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो बेनिफिट है वो ढंग से नहीं उठा पाते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण, तो हमें इसको जानना पड़ेगा। देखिए चाइना जैसी जो कंट्री है, आप उनका अगर ट्रेड फेयर देखिएगा तो आप बिलीव नहीं कर पाइएगा कि उनका कितना बड़ा ट्रेड फेयर होता है। अपने यहां पे क्या होता है, इस चीज को बढ़ावा मतलब उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्टर भी उस हिसाब से ट्रेड फेयर में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको एक्सपेंशन करने का, उनको नए कस्टमर का जो है सोर्स नहीं मिल पाता है। तो हम इन सब पे बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे यहां का एक्सपोर्ट और बेहतर हो सकता है। ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से एक सैनिक अपने देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर के रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से यदि आप एक एक्सपोर्टर हैं और एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने देश का फायदा होगा, क्योंकि डॉलर आएगा। जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर है उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली है, आज किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। चाइना और यूएस के बीच हमेशा एक कोल्ड वार चलते रहता है नंबर वन की पोजीशन बनाने के लिए। और देखिए आंतरिक सिचुएशन देखा जाए तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका एक्सपोर्ट है, जिस हिसाब से चाइना का अब दबदबा बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से अभी आगे भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जो सिचुएशन है ये फायदा उठाने का सिचुएशन है, हम इसमें अगर सही तरीके से अगर अपना काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।